सो गाइस, आप भी अपने फ्री फायर में हेडशॉट पे हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आपका कोई भी एक भी हेडशॉट नहीं लग पा रहा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही कमाल की और अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पर वन टैप में गाइस हेडशॉट लग जाने वाला है फ्री फायर में। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना है। और हाँ गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अब देखो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ से स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की प्रॉब्लम को, इस सोल्यूशन का यहाँ से मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट गाइस यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को इस वीडियो को। ठीक है, तो आप लोगों को जाना अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर के अंदर एंड यहाँ पर सर्च करना है MSERO एंड उसके बाद यहाँ पर MSERO एंड उसके बाद MSI टाइप करके सिंपली सर्च कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो आपने इसे यहाँ पे क्या करना है आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैंने इसे पहले से ही सब कुछ करके रखा है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर ओपन गाइस यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसका इंटरफेस देख लीजिए अच्छे से, यही होना चाहिए। ठीक है, आपने इसे इंस्टॉल करना है एंड मैं इसे यहाँ पर सिंपली गाइस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को इस पर टाइप कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एक्स वाई के ऑप्शन पर सिंपली आपको टाइप करना है गाइस। यहाँ पर आपको क्या करना है, 441 करना है एंड उसके बाद DPI में जाना है एंड यहाँ पर गाइस भी आपको 411 कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको इस ऑप्शन को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसे आपने कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, इसे जैसा रहे वैसा आप रहने दो गाइस। ओके, तो इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है कि इस पर टिक करना है एंड उसके बाद ये जो दिख रहा है इस पर भी आपने टिक कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद इस पर भी करना है टिक, इस पर भी एंड इस पर भी। ओके, एंड ये जो दिख रहा है ये वाला ऑप्शन आपने, ये जो हाई ग्राफिक्स वाला है इसे आपने बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं करना है। ओके, अगर आप इसे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा आपका गेम जो है वो लैग मारेगा। ओके, तो आपने इसे नहीं करना है एंड इसके बाद नीचे की साइड में इन तीनों ऑप्शन को आपने जो है वो ऑन कर देना है गाइस। ओके, एंड उसके बाद नीचे की साइड में आप लोग जाएंगे तो जनरल की सेटिंग को आपको क्या करना है कि आपको इसे यहाँ पर पूरा का पूरा फुल कर देना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो रेड डॉट है, रेड डॉट को भी आपने पूरा क्या करना है कि पूरा फुल कर देना है गाइस। ओके, एंड उसके बाद ये जो X1 दिख रहा है, X1 को क्या करना है आपको, इसको भी यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर फुल कर देना है। एंड X3 क्या करना है आपको, इसको भी यहाँ पर पूरा का पूरा फुल मार देना है। ओके, इन चारों ऑप्शन को गाइस फुल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बूस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नो कर देना है। नो करने के बाद अब यहाँ पर गाइस आपको क्या काम करना है कि ये जो आपको रैम, अपने स्मार्टफोन के रैम जितना भी होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर चलो मैं पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, 4GB रैम मेरा है तो मैं यहाँ पर 4GB कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस पर जो है टिक कर देना है एंड ये जो ये वाला ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है, बीच वाले को छोड़ देना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का नीचे की साइड में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार देना है। ओके, तो ये सारी सेटिंग करने के बाद गाइस आपको नीचे की साइड में एक ओपन गेम नाम का एक बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक आउट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक आउट करोगे तो आपका जो गेम है वो फाइनली ओपन हो जाएगा गाइस। तो आपको गाइस यहीं से अपना जो गेम है वो ओपन करके प्ले करना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर इस ट्रिक से वन टैप में हेडशॉट लग जाने वाला है। तो यार, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यार, मिलते हैं फिर से किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।